हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे आप लोग। ये देखिए हमारे बाबा है कपिल, बहुत अच्छे आदमी है, मियाँ मियाँ आदा। देखो दवा अभी पड़ रहा है खजूर में, तो चलिए हम नज़दीकी से दिखाते हैं। हो सकता है हमारा आवाज़ ना जा रहा हो सही, तो नज़दीकी से दिखाते हैं आप लोगों को कैसे दवा यहाँ पड़ता है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, ये चाचा है जो दवा छिड़क रहे हैं मशीन से, और कैसे कैसे छिड़क रहे हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। मशीन कैसे लगी हुई है, सेटिंग कैसे हुआ है, तो नज़दीकी से पहले आपको दिखा दें। ये देख सकते हैं, और ये देखिए गाड़ी पे पूरा सेटिंग हो गया है मशीन का। ये इंजन लगा हुआ है, देख रहे होंगे। और ये जो टंकी है 500 लीटर की टंकी है, और इसमें दवा है, पानी फुल था। और ये देखिए गाड़ी पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड अभी हम यहाँ पे आए हैं जो चाचा का मजरा है, यहाँ जो दवा मार रहे हैं। इसके बाद हम अपने मजरे में जाएंगे इसी मशीन को लेकर के। ये मशीन हमारे ही कपिल का है, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ देखिए कैसे हम लोग दवा छिड़कते हैं। तो फ्रेंड हम फाइनली हमारे मजरे में पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, और देखिए यहाँ पर मशीन की पूरा बढ़िया से सेटिंग हो चुका है, क्योंकि वहाँ से गाड़ी जब आया था तो इधर उधर मशीन हो गया था, तो यहाँ पर ला करके पूरा सेटिंग किए हैं। उसके बाद देखिए मजरा में कुछ काम ज़्यादा था हमारे, तो ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के साइड में घास, बहुत बड़ा बड़ा घास था, तो उसको मान लीजिए दवा मारने के बाद फिर बकरियाँ खा नहीं पाती, तो दवा मारने से पहले वो काट करके देखिए बाहर सब बकरियों को दे दिया गया है, वो खा रही हैं सब, क्योंकि दवा मारने के बाद 5-7 दिन 10 दिन तक इन लोगों को देना नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे यही सब काम होता है, यहाँ पे मान लीजिए घास काट कर बकरियों को देना है, और उसके बाद टाइम मिल जाता है तो हम लोग मजरा में थोड़ा ये जो पेड़ है वो खजूर का पेड़ है, इसके आसपास में सफाई करते हैं, इसमें खाद डालते हैं, यही सब काम होता है। अभी फ्रेंड देखिए ये खजूर आने वाला है, इसीलिए दवा छिड़का जा रहा है, दवा मारा जा रहा है। और फ्रेंड हमारा कपिल बहुत बढ़िया आदमी है, ये देखिए खुद काम करता है अपने, हम लोगों के साथ साथ में काम भी करता है, और मैं वीडियो बनाकर थोड़ा यूट्यूब पे डालता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो फ्रेंड ये कभी नाराज नहीं होता है। तो हमारे चैनल को फ्रेंड आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे, ताकि रियल आप लोगों को दिखा सकें। थैंक यू फ्रेंड।